जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टैंड अप फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के द्वारा बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हम 40 से लेकर 180-160 तक की गति आपको उपलब्ध कराते हैं। जो भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की तैयारी वाले छात्र हैं, उनके लिए यह हमारा डिक्टेशन है। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने पेड ग्रुप भी शुरू किया है, जिसमें हम आपको 4 से 5 डिक्टेशन उपलब्ध कराते हैं और अपनी वेबसाइट पर टंकड़ फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। 140 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। नए कृषि कानूनों के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि मौजूदा कृषि सुधार अमेरिका एवं यूरोप का एक असफल मॉडल है और सरकार कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने के लिए ऐसा कर रही है। कुछ किसान संगठन इन कृषि सुधारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मंडियों को समाप्त करने की साजिश करार दे रहे हैं, जिसके कारण किसानों का एक वर्ग, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान, आशंकित एवं भ्रमित हैं। सवाल है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रथम दृष्टया देखें तो भारत और पश्चिम का परिवेश एवं परिस्थितियां पूर्णतः भिन्न हैं, इसलिए तुलना से पहले कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार आवश्यक है। कुछ समय पहले मुर्गी पालक किसानों के पिंजरों पर प्रतिबंध का मामला उठा था। उस समय यूरोप की तर्ज पर मुर्गियों के पिंजरों पर प्रतिबंध लगाकर उन्होंने खुले में रखने का दबाव बनाया था। एक बार तो पशु हिंसा के नाम पर सरकार एवं न्यायालय का एक बड़ा वर्ग उनके इस तर्क से सहमत भी दिखाई दे रहा था, परंतु जब वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो पता चला कि यूरोप में वर्ष भर तापमान 20 डिग्री से नीचे रहता है और वहां मुर्गियों को खुले में रखने में कोई समस्या नहीं है। इसके ठीक विपरीत भारत में भीषण गर्मी पड़ती है और तापमान 40 से 50 डिग्री तक चला जाता है। उस तापमान में मुर्गियों को खुले में रखना संभव नहीं है, इसलिए भारत की परिस्थितियों में मुर्गी को पिंजरे में रखना जरूरी है। बाद में पता चला कि भारत की कुछ सामाजिक संस्थाओं ने यूरोप के मुर्गी पालकों से चंदा लेकर भारत के मुर्गी पालक किसानों के हितों के साथ समझौता करने का काम किया था। यूरोपीय व्यापारिक संघ एवं सरकारें भारत में मुर्गी पालन में लगने वाली कम लागत के चलते भारत में बढ़ते निर्यात से दबाव में थीं, लेकिन पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सरकार की सक्रियता से समस्या का समाधान हो गया, अन्यथा भारत के मुर्गी पालक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आज एक बार फिर उसी तर्ज पर अमेरिका एवं यूरोप के मॉडल का हवाला देकर कृषि सुधारों को रोकने की वकालत हो रही है। अमेरिका एवं यूरोप में एक एक फार्म कई सौ एकड़ जमीन में फैले हैं, जबकि भारत में अधिकतर किसानों के पास एक अथवा दो एकड़ से भी कम जमीन उपलब्ध है। ऐसे में दोनों की परिस्थितियों की तुलना संभव ही नहीं है और न ही वहाँ की नीतियों को यहाँ लागू किया जा सकता है। भारत में छोटे किसानों को लागत कम करने के लिए सामूहिक खेती करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर पहले से मौजूद सहकारी संस्थाओं एवं 8,000 से ज़्यादा किसान उत्पादन संघों के अलावा 10,000 नए किसान उत्पादक संघ बनाने का काम कर रही है, जिसके लिए नेफेड, एनसीडीसी एवं एसएफएसी को अधिकृत किया गया है। आज अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में सरकारों से ज़्यादा कृषि सहकारी संस्थाओं का योगदान था। नेफेड, इफको, क्रबको, अमूल एवं राज्य सहकारी बैंकों ने इसमें महती भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों में इन संस्थाओं को और मजबूत एवं पेशेवर बनाने की दिशा में काम किया है। इसी का परिणाम है कि इन संस्थाओं को निजी क्षेत्र चाहकर भी चुनौती नहीं दे पाया है। नए कृषि सुधारों के बाद कृषि में निजी क्षेत्र की भूमिका अवश्य बढ़ेगी और उसका निवेश भी आएगा, लेकिन पहले से काम कर रहे किसानों की संस्थाओं एवं सरकार की समानांतर निवेश योजना से संतुलन बना रहेगा।
इसके लिए भारत सरकार ने कृषि के आधारभूत ढांचा विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। ग्रामीण विकास के लिए भी भारी बजट का प्रावधान किया है। नेफेड, इफको, क्रभको, एफसीआई, अमूल, राज्य एवं सहकारी बैंक, एपीएमसी और पैक्स जैसी तमाम संस्थाओं का बजट एवं कारोबार पर किसानों का मालिकाना हक है, इसलिए किसानों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। जब निजी क्षेत्र की कंपनियां आएंगी तो इन संस्थाओं को भी प्रतिस्पर्धा के दबाव में अधिक पेशेवर एवं जवाबदेह बनना पड़ेगा। इससे ये अपने सदस्यों अर्थात किसानों को ज़्यादा सुविधाएं, सेवाएं, दाम एवं लाभांश देने के लिए बाध्य होंगी, जो किसानों के हित में है। अमेरिका एवं यूरोप में किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर इसको टाइप कर सकते हैं, जो पेड ग्रुप के छात्र हैं, क्योंकि PDF मैं उपलब्ध नहीं करा सकता।